हाइड्रोलिक प्रेस किसी भी चीज को चपटा कर सकता है, इसीलिए ये प्रोफेशनल्स को ही करना चाहिए। सेफ्टी। तो पहला है, ये एक बड़ा सा राक्षस है जिसके मुंह में पेपर्स का बंडल है। क्या ये बीच में एक होल बना देगा? नहीं, ये तो बेंड हो गया। ये मजेदार, ये तो बुक बन रही है। क्या होगा अगर ये बाहर आए और इसमें कुछ लिखा हो? इसका क्या मतलब है? वो लोग इसे आधा काटने की कोशिश कर रहे हैं और वो धार वाली चीज से कोशिश कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इससे हो जाएगा। वो तो फट गया, सच में फट गया। आधा ही काट पाया वैसे, उसने कम से कम कुछ तो काटा। एक बॉल, टू बॉल्स। खुराफाती दिमाग। मेरे बॉल्स नहीं टूटने चाहिए भाई, ऐसा लग नहीं रहा कि बॉल्स टूटेंगे। वैसे टेक्निकली टायर्स भी एक तरह के हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं जो जमीन में कुछ भी दबा देता है। मैं ये देखो, मुझे लगा जैसे ये मेरे चेहरे पर लगाओ, पर ये तो कैमरा पर लगा है। सच में पागलपन है। साइंस। ओके, माचिस, क्या जलेंगे? ये जल गए। ये तो शानदार था, सच में मजेदार था। मुझे बुरा लग रहा है, उन माचिसों को देखो, अब वो कभी नहीं जल पाएंगी। खूबसूरत है। मुझे आंसू खुशी की वजह से आए, एलर्जीज की वजह से नहीं। ना सुंदर लग रहा है, ना धुंधला सा, स्लो मोशन अच्छा लग रहा है मुझे। अरे माचिस वाला बढ़िया था, लेकिन ये तो सर्कस वाली कार है। बस इन्होंने अच्छे से चेक किया हो कि इसके अंदर कोई जोकर तो नहीं बैठा। अरे बाप रे, नहीं हर्बी, टायर्स ने उसे ऊपर उठा के रखा है, बहुत ही कूल है। ऐसा लग रहा है कार बचने की कोशिश कर रही है। ये लोग ऐसी मशीन्स कैसे बना लेते हैं जो गाड़ियाँ खा जाती हैं? ये आयन जायंट के लिए बहुत खतरनाक है। सोचो कि आयन जायंट चलते हुए आ रहा है और गलती से इसमें वो आधे घर को धक्का मार रहे हैं। क्या तुम घर को धक्का मार के गिराना चाहोगे? क्या तुम्हें घर को धक्का मारने वाला चाहिए? तुम हो ना हमारे पास। मैं हूँ ना, और पैसे भी मत देना, बस मुझे बता दो कि कहाँ आना है और मैं अपने आप अपना काम कर दूंगा। क्या हो अगर इस घर के दरवाजे पर तुम खड़े हुए हो? ऐसा होगा कि तुम पर गिर जाएगा, जैसा कि कार्टून में होता है। सच कहूं तो मुझे भी फुल टाइम घर गिराने वाला बनना है। अगर मुझे पैसे मिले तो और भी अच्छा। ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस लग रहा है। मुझे तो ये गिलहरी लग रही है, लेकिन शायद ये कचरा है ना। ओह, क्या इसी तरह ये लोग पिज्जा बनाते हैं? देखो पिज्जा जैसे ही लग रहा है ना। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे चीज पफ्स को कुचल रहा है। सच सच बता दो, आज क्या फूंक कर आए हो तुम? कुछ नहीं, बस आंखों में चीज पफ्स। देखो ये हाइड्रो फ्लास्क है, ये मजेदार होगा। और अब ये हाइड्रो फ्लैट है। जरा रुको, देखते रहो। मेरा जोक मत मारना, वो मेरा जोक है। अब ये प्लेट बन गया है क्योंकि ये फ्लैट हो गया। दूसरों के जोक चुराते हो, शर्म नहीं आती? क्या? ओ, क्योंकि हाइड्रो फ्लैट मजेदार था। आपको कौन सा मजेदार लगा बताओ? मेरा वाला मजेदार था। ओ स्टिकी नोट्स, वो ये तो कन्फेटी जैसा लग रहा है। 10 lighters, ओ ये तो फटेंगे। ये तो खतरनाक लग रहा है, वहाँ सांस भी नहीं ले सकते। उसने हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहने। दोस्तों तुम्हारे लंग्स को कुछ ना हो, इसलिए तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। ये तो कीलों को भी खा गया, ऐसा कैरेक्टर स्पॉन्जबॉब में होता है। बेचारी मशीन, हम सोचते हैं कि वाह कितना मजेदार लग रहा है, लेकिन क्या कभी हमने मशीन को रोककर उससे पूछा है कि उस पर क्या बीत रही है? उन पर कुछ नहीं बीतती, वो मशीन्स हैं। ओह, अगले वीडियो बताओ कितने पेपर्स इस मशीन को रोक देंगे। उम्मीद है ये ऐसा ना हो जिसमें 2, 3, 4, 20। 20 ने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं, नहीं। देखते हैं 100 क्या करता है। क्या 100 ने कोशिश की? नहीं, उसने खा लिया। अब 1000, 200, सॉरी ये मिस्टर बीस्ट नहीं है, मिस्टर बीस्ट ने पहले ही 1000 की कोशिश कर ली थी। तुम सही कह रहे। तो गोली को रोकने में जितने पेपर्स लगते हैं, इस मशीन को रोकने में उससे कम पेपर्स लगते हैं। हमने पता लगा लिया। हाँ, वीडियो चला। ओ क्या ये फटने वाला है? ये फटने वाला है। कीमा बन गया। क्या ये जॉब ब्रेकर है? हाँ, एड टाइप का। तो अगर तुम ये जॉब ब्रेकर खाओगे तो तुम्हारे मुंह में पिघल जाएगा, काफी कैलोरीज है। हाँ। अरे नहीं, उसका बैकग्राउंड भी जल रहा है। क्या तुम इस तरह ताले को तोड़ना चाहोगे? इसे ताला तोड़ना नहीं कहते हैं, इसे जलाना कहते हैं। यार ये तो पिघल रहा है, बाप रे, ये तो टपक रहा है। ओके ठीक है, तुम इस पर ध्यान रखो, मैं घर में चोरी करके। हाँ, तुम पहले वीडियो में ऐसा कर चुके हो। चैनलर के घर पे तुमने उसकी खिड़की पर एक ईंट मारी थी। ये रहा पत्थर, लो चल इससे खिड़की को तोड़ दो। पर चलो ठीक है, हमने वहाँ 50,000 भी रखे थे। मैं घर में चोरी करके आ गया। मेरा लैपटॉप, मेरा एकदम नया लैपटॉप। ये लैपटॉप को नहीं तोड़ पाया यार, जाके दूसरी मशीन लेके आओ। एक मशीन ने तो पूरी कार को तोड़ दिया था और ये लैपटॉप को भी नहीं तोड़ पा रहा। ये तो गजब है यार। ये बीटा वर्जन है, छोड़ो दूसरा लगा। यो, ये क्या है? ये मशीन है जो पागल हो गई है और ये लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसने उस पर सीमेंट की बोरी फेंक दी। यार ये तो बिल्कुल गेंशिन इंपैक्ट फाइट जैसा लग रहा है, ये तो भयानक है। देखो, ओह माय गॉड, अरे देखो उसने रोक लिया। उस मशीन को रोकने के लिए कितने लोग लगे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी लंबागिनी को कुचल दिया गया। फिर से वही मशीन। ये सेम चीज है, ये बस मेरी एक सोच है। हमें पता है कि धीरे धीरे AI इस धरती को टेक ओवर कर लेगा। क्या AI खुद को टेस्ट कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई AI है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी कभी ऐसे ही पागल चालें चलता है, देखने के लिए कि इंसान इसे देखकर कैसे रिएक्ट करता है। ऐसे रोबोट बेकार होते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो वो कितने डरे हुए लग रहे हैं। ओ, ओ, उसने टॉप को भी पकड़ लिया। ये लोग उस टॉप को क्यों नहीं पकड़ रहे? ऐसा लग रहा है ये बहुत तेज घूम रही है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। टॉप को गुस्सा आ रहा है, इसने मुझे डरा दिया, मुझे एंजाइटी हो रही है। मैं बिना किसी वजह नर्वस हो रहा हूँ इस वक्त। हाँ बिल्कुल, वैसा होना भी चाहिए। हाँ देखो रीजन तुम्हारे सामने है। इसने खा लिया। यम यम यम। ब्लेड वर्सेस क्रशर। ओह ये क्या? ओह ये असल में ब्लेड वर्सेस कैमरा है। अगर हम कहते हैं कि ऐसा घर पे मत कीजिए तो इसके पीछे एक वजह है, हाथ पर भी लग सकती है। और वो फिर से ट्राई कर रहा है, उसने कुछ सीखा नहीं क्या? ये सिर्फ कैमरे के साथ ऐसा कर रहा है।
ये तो इलीगल है। पुलिस को बुलाओ। वैसे ये यहाँ इलीगल है, वहाँ नहीं। पैसों को डिस्ट्रॉय करना इलीगल है, क्या ऐसा यूरोप में भी है? वाह, ये तो वही हो गया, पिघलने की घड़ी आ गई। चीटोस, तुमने पहले चीटोस बोला था ना? हाँ, कहा था, वीडियो लगाओ। क्या वो लोग ऐसे पिज्जा बनाते? तुमने चीटोस का दिल तोड़ दिया था। पिज्जा क्यों? अजीब है। क्यों नहीं यार, क्या ये इसे भी डालेगा? ये काम नहीं करेगा, हमने पहले ही देख लिया, इससे काम नहीं बनने वाला। देखा तुमने, उसने इसे फेंका और तेजी से भाग गया। वो उससे बच रहा है, कह रहा होगा मुझे यहाँ नहीं रहना। ये कह रहा है ठीक है, मुझे फिर से किसी ने पकड़ लिया। ये बैटरीज फूटी क्यों नहीं? मैं हैरान हूँ कि वो बंदा ऐसे स्लो क्यों चल रहा है। शायद वो सोच रहा होगा कि ये तो मेरे लिए नॉर्मल सी। शायद उसने इतनी बार ये सब किया है कि उसे इसकी आदत हो गई है। ये जानलेवा ब्लेड एकदम नजदीक है। उंगली वहां से हटाओ यार, तुम्हारी उंगली कट जाएगी। तुमने सच में मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा था रुको ओ फूटेगा। ओ ये नहीं फूटा, ये बेकार था। ओ ओके, ये वाला थोड़ा अच्छा। ये बहुत ही आसान था करने के लिए, क्योंकि डीवीडीज कहीं भी गिरी हुई मिल जाती हैं। हाँ, पर एक चीज थी कि अगर आपकी डीवीडी नहीं चल रही है तो फूंक मार के साफ करो, वो चलने लगी। अंडे, ओ क्या यही मजा तुम्हें चाहिए था? ये घिनौना था। हाँ सही कहा, सच में मैं इसे स्क्रीन से निकाल रहा हूँ। अरे नहीं, एक्स का बॉडी स्प्रे। सारे 12 साल के बच्चे कमेंट्स में पागल हो जाएंगे। तुम्हें याद है जब हमारे एक दोस्त ने एक्स स्प्रे को आग में फेंक दिया? उसने मेरे फायर पिट में एक छेद कर दिया था। अच्छा सही कहा। ए, मैं पेप्सी का बड़ा फैन हूँ, अगर वो मुझे पैसे दे। मैं किसी का भी फैन बन सकता हूँ अगर पैसे मिले। ओ 50 चाकू, वो स्कैल्पल्स नहीं है, पूरा बॉक्स है। अरे बाप रे, ये तो बाहर की तरफ उड़ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। ओ, हमें एक और एंगल से देखने को मिला, क्योंकि ये काफी नहीं था। जरा एक मिनट रुको, पीछे देखो तो तुम्हें कैमरा दिख रहा है? मुझे तो बस एक छेद दिख रहा है। ओ, जाने दो। वो देखो एक कार, मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा, है ना? नहीं, ये है टॉफी। याद है जब टाइड पॉड्स बहुत बड़ी चीज होते थे लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था? बिल्कुल हमारी तरह। जब कुछ मिस होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यही बोलने वाला था। उसने वही ट्रक दी। BMW के ड्राइवर पर छोड़ दो इसे। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? क्योंकि उसने पहली बार में मिस कर दिया था। अरे तुमने ईंट को भी तोड़ दिया, हमें लगा हमें सिर्फ वाटरमेलन टूटते हुए दिखेगा, लेकिन हमने तो ईंट भी देख ली। क्या ये ATM को चुराने आया? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऐसा ही है। अगर तुम ये देखो, मैं घर में चोरी करके आता हूँ। अरे नहीं, ओ क्या वो तिजोरी है? अरे जल्दी करो, पुलिस आने वाली है। तुम्हें ट्रक लाना चाहिए था ना कि कार। उसने कार में छेद कर दिया ऊपर। अरे क्या ये मशीन को वहीं छोड़कर चला गया ताकि जब पुलिस आए तो वो इस मशीन के जरिए चोर तक आसानी से पहुंच जाए? ये वाला एपिक था, लेकिन इससे भी एपिक क्या है तुम्हें पता है? क्या? ये बात कि जो भी 7 दिनों के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 1000 कैश मिलेंगे। अपनी मम्मी का फोन उठाओ, भाई का उठाओ, अपनी बहन का उठाओ और सब में सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।